हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है एक्सपर्ट फैंटेस्टी 11। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोपियन क्रिकेट लीग T10 सीरीज का। आज का दिन का पहला मुकाबला रहने वाला है जो खेला जाएगा IST वर्सेस PNL के बीच। समय रहेगा शाम को 6 बजे। सेकेंड मुकाबला होने वाला है दोस्तों, वेन्यू सेम है, कटामा बॉल कटामा में। पिच रिपोर्ट विकेट आपको नॉट ऑनली मानना है। फर्स्ट इनिंग स्कोर 90 से 110 को देखने को मिलेगा। अभी तक इस सीरीज में 70 मुकाबला हुए हैं दोस्तों। जो पहले बैटिंग की है 31 बार विन किए, जो सेकेंड बार बैटिंग की है 38 बार विन किए, एक मैच अबेंडेड हुआ है। तो दोस्तों, एक बात बता दो, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहीं से आप लोग जुड़ जाइएगा। फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, कोई भी ऐसा प्लेयर चेंजेस होता है आफ्टर टॉस के बाद, तो मैं टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराऊँगा। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं IST टीम यानी कि इस्तानबुल KSK टीम के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं मुनीर वॉक्स राइट हैंड बैटिंग करवाता है, विकेट भी करवा के देगा। इनका क्लब T20 का स्टार्ट देखिएगा तो 7 मैच में 140 रन 20 कवरेज से इनको स्मॉल लीग के टीम में डायरेक्टली पिक करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, रम्यू नाथ राइट हैंड बैटिंग करवाता है टी ट्वेंटी का स्टार्ट देखिएगा तो 4 मैच में 40 रन 4 कवरेज से तो इनको पिक करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं इलियास अब्दुल्ला राइट हैंड बैटिंग करवाता है T20 का देखिएगा तो 4 मैच में 48 रन 24 कवरेज से इनको घरेली के टीम में पिक करें। उसके बाद आदिल राजा राइट हैंड बैटिंग करवाता है T10 2022 का इनका स्टार्ट देखिएगा तो 8 मैच में 8 इनिंग्स 13 विकेट निकाले थे, 15 ओवर डाल के, तो इनको घरेली के टीम में पिक करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं अतिल तुरकान राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट मीडियम फास्ट बॉलर है। T20 का स्टार्ट देखिएगा तो 4 मैच में 28 रन 14 कवरेज से तो इनको पिक करेंगे स्मॉल लीग के टीम में। उसके बाद हम दोस्तों बात करने वाले हैं इसाक लेक राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट मीडियम पेसर बॉलर है। T20 का स्टार्ट देखिएगा इनका दोस्तों, स्टार्स मिल नहीं रहा है इनको, बहुत मुमकिन है कहीं कहीं से मतलब ढूंढना पड़ रहा है, तो आप लोग बढ़िया से समझिएगा। T20 का स्टार्ट देखिएगा तो 4 मैच में 10 रन 2 कवरेज से, उसके बाद 4 इनिंग 5 विकेट निकाले थे, 11 ओवर डाल के, तो इनको स्मॉल लीग की टीम में हम पिक करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, मोहम्मद फहद राइट हैंड बैटिंग करवाता है T20 का देखिएगा तो 2 मैच में 13 रन 13 कवरेज से, तो इनको छोड़ेंगे कुछ खास है नहीं। उसके बाद मोहम्मद कौन को इनको भी छोड़ेंगे, मुराद औजबेक को इनको भी। उसके बाद फसल अहमद का स्टार्स नहीं मिला है दोस्तों, मिलेगा तो मैं आपका टॉस में प्रोवाइड कराऊंगा। बेंच पे प्लेयर मैंने उनका नाम में स्टार्स लिखा है, अगर कोई भी ऐसा प्लेयर चेंज होगा तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहीं से आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। अब हम बात करने वाले हैं PNL की टीम के यानी कि पंजाब लियोन्स न्यूज क्लब की टीम के। पहले बात करते हैं हरदीप सिंह, इनके साथ आते हैं लखविंदर सिंह। बात करते हैं हरदीप सिंह के तो लेफ्ट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट फास्ट बॉलर बॉलर है। T10 2021 का इनका स्टार्ट देखिएगा तो 8 मैच में 24 रन 6 कवरेज से प्लस 3 विकेट निकाले थे, 4 ओवर डाल के, तो इनको स्मॉल लीग की टीम में पिक करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों लखविंदर सिंह राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट मीडियम पेसर बॉलर है। T10 2021 का इनका स्टार्ट देखिएगा तो 39 मैच में 71 रन 11 कवरेज से प्लस 52 विकेट निकले थे, 72 ओवर डाल के, मतलब कमाल का बैट्समैन है। इनको घरेली की टीम में लखविंदर सिंह को कैप्टन देंगे। उसके बाद मोहम्मद हुसैन राइट हैंड बैटिंग करवाता है, T10 2021 का स्टार्ट देखिएगा तो 31 मैच में 138 रन 10 कवरेज से इनको स्मॉल लीग की टीम में पिक करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों नीरज तिवारी राइट हैंड बैटिंग करवाता है, T10 2022 का स्टार्ट देखिएगा तो 9 मैच में 51 रन 7 कवरेज से प्लस 16 विकेट निकले थे, 18 ओवर डाल कर, तो इनको पिक करेंगे स्मॉल लीग की टीम। उसके बाद सदन चुमाल लेफ्ट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट मीडियम पेसर बॉलर है। T10 2022 का इनका स्टार्ट दिखेगा तो 9 मैच में 36 रन 12 कवरेज से 1 विकेट निकाले थे, 1 ओवर डाल के। उसके बाद रंजीत सिंह राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट मीडियम पेसर बॉलर है। इनका T10 2022 का स्टार्ट दिखेगा तो 9 मैच में 48 रन 6 कवरेज से बहुत 11 विकेट निकाले थे, 13 ओवर डाल के, तो इनको स्मॉल लीग के टीम में एज ए बैट्समैन पिक करेंगे। अब हम बात करते हैं तजविंदर सिंह राइट हैंड बैटिंग करवाता है, T10 2022 का स्टार्ट देखिएगा तो 9 मैच में 176 रन 22 कवरेज से 9 विकेट निकाले थे, 17 ओवर डाल के, तो इनको पिक करेंगे क्रेन लिंक की टीम में, तजविंदर सिंह को।
उसके बाद बात करने वाले हैं सुशील कुमार, राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट फास्ट बॉलिंग करवाता है। T20 2022 का स्टार्ट देखिएगा दोस्तों, तो 9 मैच में 15 रन 13 3 के एवरेज से प्लस 8 विकेट निकाले थे 10 ओवर डाल के। मतलब इनका स्टार्स तो सही है, देख सकते हैं आप लोग। तो इनको स्मॉल लीग के टीम में हम पिक करेंगे सुशील कुमार को। उसके बाद स्कूट हस्टिन राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट हैंड बैटिंग पेसर बॉलर है। T20 2022 का स्टार्ट देखिए तो 9 मैच में 17 रन 17 के एवरेज से मतलब बैट्समैन है, तो इनको पिक करेंगे ग्रैंड लीग के टीम में। उसके बाद हम बात करने वाले नलिन पतियारना, राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट हैंड बैटिंग पेसर बॉलर है। T20 2021 का स्टार्ट देखिएगा तो 38 मैच में 324 रन 14 के एवरेज से, तो इनको स्मॉल लीग के टीम में पिक करें। उसके बाद रोमन मजूमदार राइट हैंड बैटिंग करवाता है, T20 2022 का स्टार्ट देखिएगा तो 9 मैच में 24 रन 3 के एवरेज से, तो इनको स्मॉल लीग के टीम में पिक। बेंच पर जितने भी प्लेयर हैं उनका नाम स्टेटस लिखा है दोस्तों, प्लेयर कोई भी ऐसा चेंज होता है तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। किसी किसी का प्लेयर का स्टेटस नहीं मिला है, मुमकिन है तो सिर्फ नाम ही लिखा है। अगर आफ्टर टॉस के बाद कोई भी ऐसा चेंजेस मतलब स्टेटस मिलेगा, चेंजेस प्लेयर आएगा, तो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊँगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों, बहुत मेहनत हो रही है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। बात करते हैं विकेट टीवी सेक्शन में, तो देखिएगा तैन पतियारा रहेगा, बैटिंग वाला सेक्शन में मजूमदार रहेगा, अस्टिन रहेगा, आरनाथ रहेगा, अयतुल्ला रहेगा। ऑलराउंडर सेक्शन में सदन रहेगा, सैमी रहेगा, आई इलेक्ट्रिक रहेगा, एल सिंह। बॉलिंग वाला सेक्शन में टी सिंह, उसके बाद ओजटिक कैप्टन मेरा रहेगा दोस्तों, चमल सदुन। वाइस कप्तान मेरा रहेगा मजूमदार। ये रहा मेरा कम्प्लीटली डेमो टीम, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।